जा रहे हैं हमारे गांव पे, दैट इज बिजनो मनोपिनो के बाद इतना अच्छा पोर्क हम खाएं। तो यहाँ पे हमारे मोमो बनाने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं हमारे गांव पे, दैट इज बिजनो मनोपे। यहाँ पे है मेरे मम्मी और सामने पापा बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम आज एक साथ घर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी और पापा आए थे अगरतला पे और हमारे यहाँ पे रुके थे। तो अभी हम रास्ते पे हैं, अभी हम जा रहे हैं एक साथ घर पे जाके आप लोगों को अपडेट करूँगी। यहाँ पे है हमारा आज का बारबेक्यू के लिए, हम यहाँ पे आग जला रहे हैं। यहाँ पे है हमारा चिकन, उधर है हमारा पॉर्क जो मैरिनेट करके रखा है। अभी यहाँ पे साइड साइड पे हम ब्रिक्स देंगे और उसके बाद इससे हम वहाँ पे पॉर्क को लेयर करके जलाएंगे। तो आप लोग प्रोसेस, हाँ रोस्ट करेंगे, तो आप लोग प्रोसेस देखते रहेंगे। तो हम घर पे शाम को ही पहुँच गए थे बट मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई बिकॉज हम खाना खाने के बाद बहुत टायर्ड हो गए थे तो हम सो गए। अभी हम रेडी कर रहे हैं पॉर्क ग्रिल करने के लिए। ये होगा पॉर्क बारबेक्यू जो मेरे हस्बैंड को बहुत दिनों से खाना था और मुझे भी, क्योंकि बेंगलोर में तो इतना अच्छा पॉर्क नहीं मिलता, तो इतने दिनों के बाद इतना अच्छा पॉर्क हम खाएँगे तो इसलिए हम तो बहुत एक्साइटेड है। और जो भी स्टेप्स होगा हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे बिकॉज ये ईजिली बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फैट होता है तो इतना कोई तकलीफ नहीं होता। तो यहाँ पे है मम्मी के लिए चिकन, हम वहाँ पे चिकन करें बिकॉज मम्मी पॉर्क नहीं खाता है तो इसलिए मम्मी के लिए अलग से एक चिकन पीस किया हमने और यहाँ पे हमारे लिए पॉर्क। और आज का पीस तो मतलब मत ही बोलो, इतना अच्छा था ना कि मतलब वो फैट और क्या बोलो मसल का जो पोर्शन है वो बहुत बहुत अच्छा था। और आप लोग प्रोसेस देखते रहिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे कैसे ग्रिल कर रहे हैं तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पॉट ग्रिल करने के लिए दे दिया है, यहाँ पे है चिकन, अभी यहाँ पे एकदम देसी तरीके से यहाँ पे ग्रिल हो रहा है। वाओ, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आग लग गया। तो अभी टाइम आ गया है हमारे पॉर्क को फ्लिप करके देखना बिकॉज अभी नीचे में भी जल भी सकता है। अभी देखते हैं क्या है रिजल्ट। एंड 1 2 3 एंड गो। ओह माय गॉड, फैट वाला बर्न हो चुका है। तो गाइस, तो आप लोग भी मतलब जल्दी फ्लिप करके देखना पॉर्क, क्योंकि पॉर्क पे फैट होता है तो जल्दी बर्न हो जाता है। तो एज यू कैन सी द रिजल्ट इज गुड। तो आप लोग भी ऐसे ही इजीली घर पे बना के खा सकते हैं पॉर्क बारबेक्यू। अभी अपडेट है हमारा, यहाँ पे एक बैच हो गया, अभी हम दूसरा बैच यहाँ पे लगा दिया है। तो हम वेट कर रहे हैं, हमारे पास और भी है। तो चिकन का अभी तक नहीं हुआ है, चिकन का अपडेट ये है, पोर्क का ये है। इंतजार करने वाले लोग ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये है अभी हमारा लास्ट बैच है, इसके बाद ख़त्म है। अभी हमारा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। और यहाँ पे ये, इसके बाद हम खाएंगे ये पीस। अभी मोमो के लिए हम बना रहे हैं ये मोमो का ऊपर का मैदा वाला लेयर। होममेड होगा आज, आज पहली बार ट्राई करेंगे। बस 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 बस, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर। सब हाथ से अच्छे तो से अभी आगे है हमारे खेती पे। यहाँ पे हम जाके लेंगे हमारा फ्रेश फ्रेश धनिया और टमेटो भी है यहाँ पे, तो हम टमेटो भी लेंगे। और वैसे यहाँ पे खेती पे बहुत सारी चीज़ है वैसे, बट हम टमेटो और धनिया ही लेंगे और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे ये थोड़ा दूर है, वहाँ पे मेरे भाई आया है तो उसके साथ हम कलेक्ट करेंगे बेजीज। तो उसके बाद हम घर चले जाएंगे और फिर से मोमो का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा आप लोगों को टूर कराऊंगी हमारी खेती। वाह, गिर गया, कलेक्ट करो। देखो देखो देखो, फ्रेश 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 फ्रेश। और है क्या? ये रहा फ्रेश फ्रेश, ये भी।
तो ये है हमारा गार्डन बीजीज का। टमेटोस, हरा भरा टमेटोस, लाल लाल टमेटोस बहुत सारे हैं, तो ये हम ले जाएंगे फ्रेश फ्रेश। रोमे आ जाओ टमेटो लेने। एक टमेटो लेने के लिए कितना बड़ा बैग लाया है देखो हमारा कितना बड़ा बैग एक टमेटो के लिए। ये कच्चा कच्चा है, तो जैसे कि ये है धनिया, वैसे बहुत सारा था बट अभी सीजन ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म हो रहा है, तो यही हम लेके जाएंगे धनिया। ठीक से तोड़ो। ये रहा धनिया, हरा हरा धनिया, यहाँ पे पत्ते ही खत्म हो गया है ना क्योंकि सीजन खत्म होने जा रहा है। और इधर पे मेरे बांजा का साइकिल मॉडिफाइड करके चला के आते हुए ये पहुंच गए हमारे पास में। कितना लिया हमने धनिया, देखते हैं होगा कि नहीं। इतना छोटा के लिए कितना बड़ा बैग लाया है। टमेटो भी पांच, भी पांच ही लिया है। टमेटो, इतना धनिया, ये जरूरत नहीं है, इसको फेंको। चलो ऐसे फेंको, चलो चलो अब चलेंगे हम घर। इधर पे चलाते आते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे, यहाँ शर्माते हुए और इधर पे देख लेके जा रहा है, चुरा के ले जा रहा है। हमारे भांजे को बैग लेके जाने के लिए बोला, और ये हमारे गांव का एक छोटा सा स्कूल, छोटा सा स्कूल। तो ये हमारा चिकन अभी हो गया है, ग्राइंड कर लिया है, अभी यहाँ पे देंगे सोया सॉस, वैसे बहुत ज़्यादा इसलिए हम 3 टेबलस्पून देंगे ना, बस 3 टेबलस्पून सोया सॉस। तो यहाँ पे हम डालेंगे अभी कैबेज, आई थिंक कैबेज पे ही हम डाल देंगे ना, वो बेहतर है। कैबेज पे डालेंगे हम अभी चिकन। तो यहाँ पे हमारे मोमो बनाने वाले ग्रुप, ये है हम तीनों ही बना रहे हैं कब से, ये सब प्रिपरेशन से लेके सब कुछ हम तीनों ही कर रहे हैं। और अभी स्टार्ट हो गया है हमारा स्टफिंग, और हमारा चटनी भी रेडी है, जो हमने हमारे जो वो क्या बोलते हैं उसको, फील्ड से हमने टमेटो लाया था तो उसी टमेटो से हमने बनाया है। और यहाँ पे हमारा चिकन, और ये हम यहाँ पे ऐसे फील कर रहे हैं, स्टफिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद हम करेंगे स्टीम, और उसके बाद हमारा तैयार हो जाएगा मोमो। तो प्लीज़ देखते रहना एंड तक, और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एक बार कर लिया है यहाँ, फिर से हम अभी खाने वाले हैं ट्राई। तो ये है हमारा त्रिपुरा का एक स्पेशल राइस, इसको गोविंदो भोग भी बोला जाता है और खासा भी बोला जाता है। तो ये एक्चुअली हमारे गांव पे मिलता है, और ये आज बनाएगा मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी का गार्डन, और मोमो का मैं खाने वाला वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई, सो सॉरी गाइस, क्योंकि हम इतने जल्दबाजी में खा गए ना, मतलब वीडियो भी एक भी नहीं किया हमने। सो आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को दिखा पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।